दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और हमारे आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो प्रमोशंस है वो क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि जब भी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में भर्ती हो जाता है तो वो एज ए असिस्टेंट के रूप में वो अपने लोको पायलट के साथ में ड्यूटी करने लगता है। लेकिन भारतीय रेलवे ने एक चांस दिया है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो भी टैलेंटेड है और इनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये जो असिस्टेंट लोको पायलट है इसको अपने ड्यूटी के दौरान क्या क्या प्रमोशंस मिलते हैं, मैं इस वीडियो में सिर्फ इसी पे बात करूँगा। तो आप ये समझिए कि असिस्टेंट लोको पायलट जब भर्ती होता है तो चूँकि मैं तो नहीं जानता था, जब मैं रेलवे में नहीं था तो मैं सोचता था कि असिस्टेंट लोको पायलट जब हम भर्ती हो जाएंगे तो उसमें हमें ट्रेन चलाने को मिलेगा। हम सोचते थे कि दो लोग रहते हैं उसमें बारी बारी से ट्रेन चलाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में ट्रेन नहीं चलाता है, उसको ट्रेन चलाने के लिए एक प्रमोशन की ज़रूरत होती है और वो प्रमोशन लेने के बाद वो ट्रेन चलाने के लायक हो जाता है। तो जिनको ये लगता होगा कि ये भारतीय रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो भी ट्रेन चलाते हैं तो उनकी जो सोच है वो गलत है। एक प्रमोशन के बाद इनको ट्रेन चलाने का मौका दिया जाता है। तो हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे क्योंकि ये एक जान माल से बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला एक पद है, एक बहुत बड़ा एक पोस्ट है, मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला ये काम है। ठीक है, तो उनको ये अब मुझे लगता है कि हाँ ये इंडियन रेलवे ने जो भी सिस्टम बनाए हैं वो सही बनाए हैं। एक नए बंदे को अचानक जो पढ़ के आया है और एक्सपीरियंस उसको नहीं है उसको ट्रेन चलाने नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये सही तरीका है। तो हमने इस बोर्ड पे लिख रखा है कि प्रमोशंस ऑफ ALP, प्रमोशंस ऑफ एन ALP, जब असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम देके CBT 1, CBT 2, उसके बाद साइको टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद जब वो ट्रेनिंग करके आ जाता है तो वो एज ए असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जब जैसा वो ट्रेनिंग किया हुआ है डीजल या AC, तो वो डीजल या AC के रूप में काम करने लगता है। उसकी ग्रेड पे होती है 1900 रुपये होती है। तो उसमें मैंने सैलरी भी लिख रखा है, हालांकि ये जो सैलरी मैंने लिखा है ये अप्रॉक्सीमेटली होती है और इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसकी जो सैलरी है वो 50,000 पर मंथ सैलरी बनने लगती है। और ये जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं ये उस डिवीज़न में काम करने वाले जितने भी असिस्टेंट लोको पायलट हैं इनको उनका 20% ये जूनियर असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं और इनको मोस्टली गुड्स ट्रेन पे ही बुक किया जाता है, गुड्स ट्रेन पे ही बुक किया जाता है। हाँ, कभी कभी कोई अगर सीनियर असिस्टेंट नहीं रहा तो इनको भी जाने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये ज़्यादातर ये जो जूनियर असिस्टेंट है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो जब वो लगभग 2 साल काम कर लेता है, 2 साल के बाद उसको लगता है कि हाँ ये सीनियर है, तो अभी उस डिवीज़न में काम करने वाले जितने भी असिस्टेंट हैं उसका 80% सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं। तो उसमें जो है इस जो जूनियर असिस्टेंट लोको पायलट है इसको सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट
बना दिया जाता है, इसको प्रमोशन दे दिया जाता है, इसमें उसके कोई एग्जाम नहीं होती है। तो ये सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन गया। अब ये सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट है, ये भी डीजल और एसी लोकोमोटिव पे ही काम करेगा, और इसकी जो सैलरी है ये अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रहती है। थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेन चलाते हैं, इतना इनका किलोमीटर माइलेज बनता है, उतना इनकी जो सैलरी है वो बढ़ती और घटती रहती है। तो ये एक मैंने अनुमानित बता दिया है, 60,000 रहेगा। थोड़े बहुत 2-4-5,000 का अंतर हो सकता है, कभी 65 हो गया तो कभी 55,000 हो सकता है, ठीक है। और ये जो असिस्टेंट है, ये मेन ज़्यादातर ये लोग मेल एक्सप्रेस पे ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई असिस्टेंट गुड्स वाला नहीं है मिला, तो इनको भी उस गुड्स ट्रेन पर भी बुकिंग किया जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर ये लोग मेल एक्सप्रेस ही वर्किंग करते हैं। और मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ कि ये जो असिस्टेंट लोको पायलट है, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट है, ये भी ट्रेन नहीं चलाते हैं, सिर्फ सीनियर लोको पायलट की हेल्प करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ साथी इसके बारे में जानते होंगे, जो लोग मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और जो लोग रेलवे में हैं। लेकिन जो रेलवे के बाहर के जो लोग हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, उन लोगों को शायद ये बातें मालूम नहीं होगी, तो उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये, ठीक है। तो ये हो गया सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि मेल एक्सप्रेस पर ही वर्किंग करता है, और इसकी जो ग्रेड पे है वो 2400 हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में वो काम करेगा, फिर उसके बाद इसका एक और प्रमोशन होगा। कहीं कहीं इस प्रमोशन में 3-5 साल लग जाते हैं, कुछ डिवीज़न में अलग अलग है, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये जो असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट है, इसका एक प्रमोशन हो, इसका जो ट्रेनिंग सेंटर में इसको प्रमोशन के लिए भेज दिया जाएगा, और पूरी ट्रेनिंग जैसे उसने असिस्टेंट में किया था वैसे ही ये ट्रेनिंग करके, और ये लोको पायलट संटिंग बनेगा, ठीक है। लोको पायलट संटिंग, सबसे पहले संटिंग बनेगा, ठीक है। और बता दें कि यहाँ से उसकी ड्राइविंग स्टार्ट हो जाती है, लोको पायलट संटिंग से इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो ट्रेन चलाने के लिए, ये ड्राइविंग सीट पर आने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और इसकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 होती है, ठीक है। और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ यार्ड में, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेशनों में, बड़े बड़े यार्ड में डब्बों को जोड़ना, काटना, लगाना होता है, तो उसके लिए लोको पायलट सेंटर ही, या सेंटिंग लोको पायलट ही वो होते हैं, ठीक है। क्यों इनको यार्ड में शुरू में इसलिए देते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई नुकसान किया या कुछ भी कोई असामान्य घटना होती है तो यार्ड में होगा, जान माल की कोई ज़्यादा क्षति नहीं होगी, इसलिए उसको स्टार्टिंग में लोको पायलट संटिंग के रूप में दिया जाता है, ताकि वो यार्ड में गाड़ी चलाने का हाथ साफ करता रहे। तब जा करके ये कुछ दिन काम करेगा लोको पायलट संटिंग में, लगभग 2 साल काम करेगा, तो फिर उसके बाद वैकेंसी के आधार पे उसको लोको पायलट गुड्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लोको पायलट गुड्स है। अब ये लोको पायलट गुड्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलाएगा, और वो भी मेन लाइन पे मालगाड़ी चलाएगा, ध्यान रखिए। अब यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और ये मेन लाइन पर गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये है लोको पायलट गुड्स है, और इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 80,000 होती है, और थोड़े बहुत वेरिएशन कर सकता है सैलरी में। तो ये जो गुड्स ड्राइवर है, ये गुड्स ड्राइवर ट्रेन चलाएगा, मेन लाइन पे चलेगा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएगा, और ये 2 साल के बाद इसको अगर ऑफिसर्स चाहते हैं तो स्क्रीन करके इनको जो है
मेल एक्सप्रेस में या कोचिंग में दिया जा सकता है, बशर्ते हाँ वो तब जब कभी मेल एक्सप्रेस लोको पायलट नहीं है, ये वैकेंट है तभी, अन्यथा लोको पायलट गुड्स को मेल एक्सप्रेस पे नहीं बुक किया जाता है। ठीक है, तो ये है तरीका हमारा, लोको पायलट गुड्स हो गया जो कि मालगाड़ी चलाएगा। ठीक है, तो मालगाड़ी चलाने के बाद फिर इसकी लाइफ में एक और चेंजिंग आती है। ये लगभग 5 से 10 सालों तक ये गुड्स ड्राइवर के रूप में जब काम कर लेगा तो इसकी प्रमोशन लोको पायलट पैसेंजर में हो जाती है। तो लोको पायलट पैसेंजर की जो सैलरी है वो नियर अबाउट 1 लाख रुपए होती है, थोड़े बहुत वेरिएशन उसमें हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत वेरिएशन चलता है। और ये जो लोको पायलट पैसेंजर है वो पैसेंजर ट्रेन ही चलाएगा, ज़्यादातर ये लोग पैसेंजर, चूंकि उसका डिजिग्नेशन लोको पायलट पैसेंजर है इसलिए वो लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन चलाता है। हाँ, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें अगर खाली हैं तो वो भी चलाएगा। और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं भी एक लोको पायलट हूँ और मैं यहाँ पे लोको पायलट पैसेंजर के रूप में सोलापुर डिवीजन में हूँ। और पैसेंजर लोको पायलट सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें चलाएगा या फिर मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा, जबकि मेल एक्सप्रेस लोको पायलट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि लोको पायलट पैसेंजर जब बन जाता है तो वापस वो मालगाड़ी ट्रेन कभी नहीं चलाएगा। ये एक प्रमोशन की प्रक्रिया है, वो पहले वाला काम उसका नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये जो लोको पायलट पैसेंजर है इसको एक और प्रमोशन मिलता है। आपको एक चीज और बता दें, लोको पायलट गुड्स से लोको पायलट पैसेंजर में भी वो लगभग 3 महीने का ट्रेनिंग सेंटर में पूरा ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद ही इसको लोको पायलट पैसेंजर के रूप में प्रमोशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो लोको पायलट पैसेंजर है ये लगभग 2 महीना ये जो लोको पायलट पैसेंजर है ये लगभग 2 साल कंप्लीट जब कर लेगा तो इसको एक और प्रमोशन दिया जाएगा और वो है लोको पायलट मेल, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस। ठीक है, और ये लोको पायलट मेल एक्सप्रेस की जो सैलरी है वो लगभग 1.4 लाख होती है, उससे थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, कभी 1.5 लाख बन सकता है, कभी 1,30,000 भी बन सकता है। ठीक है, तो ये जो बंदा है लोको पायलट मेल वो ना तो गुड्स चलाएगा, वो ना तो पैसेंजर ट्रेन चलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा या फिर राजधानी शताब्दी ट्रेनें चलाएगा या फिर वो वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल एक्सप्रेस प्रमोशन। तो कि ये प्रमोशन में हमारा असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, फिर उसके बाद लोको पायलट संटिंग, फिर उसके बाद लोको पायलट गुड्स, फिर उसके बाद लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस है। ये हो गई ट्रेन ड्राइविंग से जुड़े हुए पोस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद भी आपको प्रमोशन मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी जो ट्रेन ड्राइविंग है वो छूट जाएगी, आपकी आपको अलग टाइप का जॉब दे दिया जाएगा आपके अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि आप जो है लोको पायलट संटिंग बन जाते हैं, यहाँ पे मैंने इंडिकेशन दे दिया है, लोको पायलट संटिंग से लेके लोको पायलट मेल एक्सप्रेस तक है। ठीक है, तो ये लोग जो है 3 साल कम से कम अगर ड्यूटी कर लिए तो वो लोग क्रू कंट्रोलर यानी कि लॉबी में या डिवीजन लेवल पे जो हमारा बुकिंग है, जो लोग ड्यूटी लगाते हैं, जो गाड़ियों को पर ड्यूटी हमारी लगाते हैं, उनके लिए भी एक क्रू कंट्रोलर बोल के या पावर कंट्रोलर बोल के इनकी एक पोस्ट होती है, वहाँ पे टेम्पररी 3 साल के लिए ये लोग जा सकते हैं, वहाँ पे उनकी ड्राइविंग छूट जाएगी। आप ये ध्यान रखिए, बशर्ते वो 3 साल के लिए, 3 साल के बाद फिर से इनको ड्राइविंग में
आना पड़ेगा। इसी तरीके से यही लोग जो है 3 साल या उससे ज़्यादा ड्राइविंग कर लिए हैं, तो ये लोग ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ पे नए लोग असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती होते हैं ट्रेनिंग कॉलेज में, वहाँ या फिर जो लोग जो रिफ्रेशर कोर्स करते हैं या जो लोग यही प्रमोशन करते हैं, लोको पायलट प्रमोशन कोर्स करते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए उनका जो टीचिंग जॉब है वहाँ भी वो लोग टीचिंग जॉब ले सकते हैं। उसके लिए उनकी जो सैलरी है लगभग 1 लाख से ऊपर होती है, ठीक है। और ये लोग वही टीचर हैं जो ALP ELP मैंने बता दिया है कि वो पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोको पायलट से आप CLI यानी कि चीफ लोको इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। चीफ लोको इंस्पेक्टर क्या होते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखा है डिटेल में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं मोस्ट मेन बता देता हूँ कि चीफ लोको इंस्पेक्टर का काम ये होता है कि इनके ये ट्रेन नहीं चलाते हैं, ये ट्रेन नहीं चलाते हैं, ये यही से प्रमोशन होके जाते हैं, यानी लोको पायलट संटिंग से लेके लोको पायलट गुड्स पैसेंजर मेल एक्सप्रेस में से जिन्होंने जिनकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कम से कम 10 साल तक होने चाहिए, ठीक है, 10 साल तक होने चाहिए, या 5 लाख किलोमीटर इन्होंने गाड़ी दौड़ाई हुई हो, तब जाके आप लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और यही लोको इंस्पेक्टर समय समय पर इन असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट मेल तक की इनकी मॉनिटरिंग यही लोको इंस्पेक्टर करते हैं, यही समय समय पर उनको डीजल लोको से, ट्रैफिक लोको से या रेलवे की अन्य जानकारियों से अवगत कराते हैं। मान लीजिए कि इनसे कुछ गलती होती है लोको रनिंग स्टाफ से यानी लोको पायलट से अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो ऑफिसर इन ELI को भी नहीं बख्शते, इनको भी चार्जशीट मिलता है, इनको भी पनिशमेंट दिया जाता है कि तुम्हारे जो है लोको पायलट या सहायक लोको पायलट ने यह गलती किया तो इसका मतलब तुम सही से पढ़ा नहीं रहे हो, उनको सही से नॉलेज नहीं दे रहे। तो ये जो लोको इंस्पेक्टर है इनका यही काम है कि जो अपडेट करते रहे ज्ञान का, और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी अनयूजुअल होता है तो उसकी जो रिपोर्ट है सही सही रिपोर्ट अपने जो सीनियर ऑफिसर्स को उनको वो देना होता है। और एक जो ELI होता है, एक लोको इंस्पेक्टर होता है, इसके अंडर में ये जो है 20 से 25 लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं एक के अंडर में, मतलब एक ELI के अंडर में। और इनकी जो सैलरी है लोको इंस्पेक्टर की ये लगभग 1.5 लाख होती है, और इसमें वेरिएशन हो सकता है। जो लोको इंस्पेक्टर होते हैं उनका जो प्रमोशन होता है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के जरिए होता है, और एक डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करेंगे तभी ये लोग जो है लोको इंस्पेक्टर बनेंगे। जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करते हैं उसमें आपका सीनियरिटी पे आप अगर बैठ जाते हैं तो आपको वो जॉब लोको इंस्पेक्टर का दे दिया जाएगा। इससे पहले एक लोको इंस्पेक्टर बनने की जो क्राइटेरिया थी वो थी 75,000 किलोमीटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, तो उस समय मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैंने रिटर्न एग्ज़ाम पास किया था, चूँकि मैं सीनियर नहीं था तो मैं उसमें नहीं गया, और मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है ना ड्राइविंग में है इसलिए मैं उसमें जाता नहीं हूँ। और ये लोगों के इंस्ट्रक्टर में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, बशर्ते आपका ड्राइविंग छूट जाएगा, आप सिर्फ पढ़ाने लगेंगे, वहाँ पे टीचिंग का जॉब करेंगे। और वो जो टीचिंग का जॉब है वो भी परमानेंट नहीं है, लगभग 3 से 8 साल तक आपको ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद आपको वापस आपके कैडर में, आप अगर लोको पायलट है तो ठीक है, नहीं तो आप ELI है तो आपको वापस अपने कैडर में आना पड़ेगा, उसका जॉब परमानेंट नहीं है। इसके अलावा
ये रेलवे ये मानती है कि हमारे जो लोको पायलट हैं इसमें भी बहुत सारे लोग हैं ना टैलेंटेड है और इनको भी मौका मिलना चाहिए बड़े ऑफिसर बनने का, मतलब गैजेटेड ऑफिसर बनने का, मतलब वो ऑफिसर जिससे मिलने के लिए सबसे पहले आपको उसके चपरासी से मिलना पड़ेगा उसके चैम्बर में जाने के लिए, तो उसको भी वो मौका मिलता है। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या LDCE, उसको पास करने के लिए और उस ऑफिसर में एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको एटलीस्ट लोको पायलट संटिंग या लोको पायलट में पाँच साल आपको किया होना चाहिए, तब जाकर के आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान रखिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वो एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है। जोनल रेलवे में एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरे जोन के सारे डिपार्टमेंट में यानी कि इंजीनियर सेक्शन इंजीनियर से लेकर के CNW के भी इंजीनियर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जो कि 30% डिपार्टमेंट कोटा के अंतर्गत आता है। आप अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर या फिर असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में आपको बना दिया जाएगा और आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, यही जो गजेटेड ऑफिसर है, यही जो असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर या असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, यही लोग आगे चल के सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर या सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं, जो कि पूरे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट यानी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के वो हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं। ये आपको हेडक्वार्टर में यानी डिवीजन लेवल पे मिलेंगे। तो ये हमारे जो है पूरा असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर था ये वीडियो कि असिस्टेंट लोको पायलट को क्या प्रमोशन मिलता है, और आपको सुन के ये अच्छा लगा होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट सिर्फ भर्ती होने के बाद रिटायरमेंट तक सिर्फ असिस्टेंट नहीं रहता है, बशर्ते हाँ उसको समय समय पर प्रमोशन उसको मिलता रहता है। तो ये मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ आप अगर नए हैं तो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।